सुप्रभात प्यारे बच्चों। बेटा आज मैं आपको आपकी हिंदी व्याकरण में भाषातरु पुस्तक का पाठ सातवां पढ़ाऊंगी। देखो पाठ सातवां क्या है। अक्कड़ बक्कड़ दो वर्ण जुड़े हुए, जैसे अक्कड़ में एक क जो है वो क्या है, स्वर रहित है, और एक है क जो स्वर सहित है, यानी अक्कड़ और बक्कड़। बक्कड़ में भी क्या है, सेम है ना। तो इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में क्लस्टर वर्ड्स। और वैसे ये पाठ है संयुक्त व्यंजन, जिसमें दो वर्णों को जोड़ करके लिखा जाता है। तो देखो अब इसको किस तरह से पढ़ा जाता है। देखो जैसे यहाँ पर लिखा है बिट्टी, खट्टी, सिट्टी, पिट्टी। देखो आगे इस पुस्तक में देखो, आपके सबसे पहले बताया है क, जो कि क्या है, स्वर रहित है, और ये स्वर सहित है। तो देखो स्वर रहित को हम कैसे पढ़ते हैं, हल्का सा क, क नहीं, अ की साउंड नहीं आएगा लास्ट में। क्यों? क्योंकि इसके खाली क, हमारा माउथ क्या है, बिल्कुल मुंह खुला रहता है क। अब क इसको पूरा पढ़ेंगे क, तो क्या होता है, जब स्वर रहित के साथ अव्यंजन अस्वर यानी कि जोड़ा जाता है, जैसे क क्या है, स्वर रहित है, इसके साथ मैंने अव्यंजन जोड़ा तो ये बन गया क, बिल्कुल स्वर सहित, ठीक है। अब इसी तरह हमारा होता है ब, ब जो है वो स्वर रहित है, इसके साथ अगर मैं अ जोड़ती हूँ स्वर तो बन जाएगा पूरा ब। अब ये ब क्या है, पूरा स्वर सहित है, ठीक है। तो इसी तरह आगे वाले को हम पढ़ेंगे हल्का, पूरे वाले को पूरा, ब को हल्का और बे को पूरा। क्यों? क्योंकि ब के साथ एक ही मात्रा है, तो इसको पूरा पढ़ेंगे बे। और ट जो है वो स्वर रहित है, और ये वाला ट स्वर सहित है, यानी इसको हम पढ़ेंगे थोड़ा हल्का, इसको पढ़ेंगे पूरा। इसी तरह स और सी, समझ आया, यानी दो व्यंजन मिलकर संयुक्त व्यंजन बनाते हैं, क्लस्टर वर्ड्स बनाते हैं। देखो नोटबुक में आपको एक्सप्लेन करती हूँ शब्दों के साथ। दो व्यंजन मिलकर संयुक्त व्यंजन बनाते हैं, पहले व्यंजन को आधा तथा पूरे व्यंजन को तथा दूसरे व्यंजन को पूरा लिखा जाता है, यानी पहले वाले व्यंजन को आधा और जो सेकंड होता है दूसरे वाला, उस व्यंजन को लिखा जाता है पूरा। शब्द में देखिए, जैसे क के साथ पूरा क लिखा तो इस तरह से लिखेंगे क, कक यानी मक्का, है ना, इससे शब्द बना सकते हैं। कौन से शब्द में आएंगे ये वाले क्लस्टर वर्ड्स, मक्का, ठीक है, और क्या होता है, टिक्का, है ना, कुछ भी शब्द बन सकता है। अब म क्या है, स्वर रहित है, और बे यानी म और बे, इसको पूरा म नहीं पड़ेगा खाली म, तो अम बे हल्का सा साउंड आएगा म का, अम बे, ठीक है, खम्बे, लम्बे, है ना, तो काफी शब्द बन सकते हैं। स और सी कौन से शब्द में आ गया, अस्सी। ब क्या है इस टाइम, जिसमें पैर के नीचे ये हल्का चिन्ह होता है, वो व्यंजन क्या होता है, स्वर रहित होता है, स्वर रहित व्यंजन ब, ब, बे, गुब्बारे, किस में आता है ये संयुक्त व्यंजन, गुब्बारे में। इसी तरह ट और टू, लट्टू, थ, त, सॉरी स और त, यानी नमस्ते, मतलब इन दोनों व्यंजन को जोड़ करके किसी भी शब्द के अंदर आएगा वो शब्द आप लिख सकते हैं। जरूरी नहीं आपको ये शब्द लिखने हैं, आप कोई और शब्द भी बना सकते हो अपनी तरफ से, ठीक है। त के साथ पत्ता, फिर न है हमारा स्वर रहित, ना यानी गन्ना, खन्ना, पन्ना, क और खी, मक्खी, क और क, तो क्या मिलकर बन गए, ढक्कन। अक्कड़ भी लिख सकते हैं ना, और बक्कड़ भी लिख सकते हैं, है ना,
तो इस तरह से हमने स्वर रहित व्यंजन को स्वर सहित व्यंजन के साथ जोड़ा, यानी कि बन गया संयुक्त व्यंजन। अब ये संयुक्त व्यंजन का हम प्रयोग करेंगे शब्दों में, तो उसका प्रयोग करके मैंने शब्द बनाए हैं, ठीक है। तो आप इसको, इस वर्क को अपनी हिंदी व्याकरण की कॉपी में करेंगे, ये आपका पाठ है 7, ठीक है बेटा। गुड बाय।